प्रिंसेस उषा मुबारक। आपको अपने और पराये सभी मुबारकबाद भेज रहे हैं। दूर दूर से आपकी सालगिरह की बधाई आ रही है। ये जी, ये बेलापुर के राजकुमार का तार, वो आज ही पधार रहे। बेलापुर के राजकुमार, ये कौन है? आपके मंगेतर, जिनसे आपकी शादी होने वाली है। मेरी शादी? जी हाँ, आप दोनों एक दूसरे को बचपन से प्यार करते हैं। यही ऐसा हो सकता है? मैंने तो कभी उन्हें देखा भी नहीं, न जानती हूँ न पहचानती। तुम फिक्र ना करो, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं सब संभाल लूंगा। तुम सिर्फ ये गाना याद कर लो। सीधी खड़े रहो, वो तुमसे मजाक कर रहे हैं। मगर ये कैसा मजाक है? वो हमेशा ऐसा करते हैं। वो देखो, सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दोगी। डरती क्यों हो? सीधी खड़ी रहो। राजकुमार आ गए, घबराना मत, आगे बढ़ो। ए उषा, ओ उषा, ओहो उषा, क्या बात है? कुछ परेशान सी लग रही हो? हाँ सरकार, आप बहुत दिनों के बाद आए हैं ना, इसलिए आपसे नाराज हो गई। ओह आई एम सॉरी, दरअसल मैं जल्दी आना चाहता था, लेकिन क्या करूं, कुछ ऐसे काम में फंस गया कि देखो तुम्हारे फेवरेट सिगरेट लाया। हैव अ सिगरेट। मैं सिगरेट नहीं पीती। क्या सरकार, बात यह है, तबीयत खराब थी, डॉक्टर ने सिगरेट को हाथ लगाने के लिए एकदम मना किया है। तो आपने मुझे पहले इत्तला क्यों नहीं दी कि राजकुमार की तबीयत ठीक नहीं? मैं फौरन आ जाता। अब आप आ गए, इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, आइए चलिए। डॉक्टर ने क्या? सरकार घबराने की कोई जरूरत नहीं, स्विमिंग कंपटीशन के लिए गई थी, जरा देर हो गई, परवाह की नहीं, सर्दी लग गई होगी। बैठो डाले, ये बैग यहां किसने रखा? सरकार मैंने रखा है। बदतमीज, ये बैग रखने की जगह? सरकार आपके इस महल में हर चीज ऐसे रखी हुई है कि और किसी चीज के रखने की जगह ही नहीं है। बकवास बंद करो, चमकी 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 चमकी, इस गधे को बताओ कि सामान कहाँ रखा जाता है। जल्दी अरे, ये कोई सामान रखने की जगह है, इसलिए ये डायरेक्ट इन्होंने भी बोले हैं। चलो उठो, सरकार तशरीफ रखिए, बैठो डाले। महल के और नौकर कहाँ? सरकार वो बहुत बदतमीज हो गए थे, दिवाली की छुट्टी थी, खूब शराब पी गए, रात भर लॉकअप में रहे। महल की बदनामी के डर से मैंने उन सबको निकाल दिया और नए नौकर रख लिए। डार्लिंग, अपने कुत्ते से डर गई? सरकार जब से गला खराब हुआ है, डॉक्टर ने कहा है कि कुत्तों को इनके पास नहीं आना चाहिए। और सरकार आपके इंतजार में सुबह से इन्होंने नाश्ता भी नहीं किया। आप नहा धोकर तैयार हो जाइए। वेरी गुड, मैं अभी तैयार हो रहा हूं। तुम्हारी घबराहट मेरा बना बनाया काम बिगाड़ देगी। तुम्हें इतनी बार समझाया लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आता। राजकुमार से तुमने इतनी देर में एक बात भी नहीं की। किसी पराया आदमी से मुझे बात करते हुए शर्म आती है। पराया कैसा, ये भूल जाओ कि वो पराया आदमी है, और ये याद रखो कि वो तुम्हारा राजकुमार है और तुम्हें चाहता है। लेकिन लेकिन मैं क्या? खामोश, अगर तुम आजादी चाहती हो तो तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा। तुम्हें राजकुमार के नजदीक होना होगा। कोशिश करो कि जितना भी नजदीक हो सके, नजदीक से नजदीक और नजदीक। और कितना नजदीक? शराब, तुम ना जा रहे हो। सर आप ही बोलो ना, जितना नजदीक हो सके और। आउट की तरह। और तुम्हें इसलिए नजदीक होना होगा कि सारी दौलत जिस सेफ में है उसका नंबर या तो प्रिंसेस उषा जानती थी या राजकुमार को मालूम है। तुम्हें किसी भी हालत में यह नंबर उससे पता करना होगा। Oh, yeah.
बिजनेस में। एक तेरी मोहब्बत का, एक मेरी मोहब्बत का। तुमने तो कहा था कि जीते जी कभी अलग नहीं करोगी, फिर भी उतार दी। कहीं दिल से तो नहीं उतार दी? मगर क्या, प्यार की निशानी जिसका कोई नामो निशान नहीं है। साफ साफ बताइए ना। अरे एंगेजमेंट रिंग कहीं उतार कर फेंक तो नहीं दी? नहीं सरकार, स्विमिंग कंपटीशन में जाते वक्त उसे उतार कर लॉकर में रख दिया ताकि गुम ना हो जाए। उस अंगूठी को तो ये अपनी जान से भी बढ़कर समझती। वेरी गुड, तो फिर उसे लॉकर से निकाल कर पहन लो। वाह सरकार, एंगेजमेंट रिंग और अपने हाथ से पहने, ये तो आप ही का हक है। दर्शक बुलाए थे, चला। लास्ट नंबर क्या है जी? मुझे, मैं तो अच्छी तरह जानती हूँ, शायद आप ही को नहीं मालूम। आ आ आ आ, ये देखो। कल तुम्हें सारी जायदाद के मालकिन बन जाओगी। हमारा भी इसमें कुछ हिस्सा है कि नहीं? हा? जी सर, आप ही का होगा। जिंदगी भर साथ निभाने का वादा याद दिलाने वाली प्यार की निशानी।
यह वसीयत नामा राजा साहब का है, राजा साहब के दस्तखत मौजूद हैं। राजा साहब ने वसीयत की है कि मेरी सारी दौलत, सोना चांदी, हीरे जवाहरात और नकद रकम जायदाद राजकुमारी उषा को उसी वक्त में, 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 में मिलेगी जब वो राजकिशोर से अगर शादी नहीं हो सकी तो सारी दौलत चैरिटी में दी जाएगी और राजकुमारी को पहले से 3,000 रुपया महीना तनख्वाह मिलती रहेगी और शादी के फैसले तक सारी दौलत रिजर्व बैंक में महफूज रखी जाएगी। उषा डाले, ये क्या हालत बना रखी है? तुम नाश्ते पर भी नहीं आए, आखिर बात क्या? बेइज्जती कैसे? तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? शादी के बाद तो सब कुछ ही निकाह है। मैं अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल करके सबसे पहले शादी का इंतजाम करता हूँ। शादी? क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं सरकार, ये हिंदुस्तानी लड़कियों का खास अंदाज होता है, यहाँ भी ना की तरह करती और ना हाँ की तरह। डार्लिंग बी हैप्पी, मैं सॉलिसिटर के पास अभी जाता हूँ। लेकिन क्या गया हो रहा है? मैं ये शादी कभी नहीं करूँ। बचपना ना करो, लो सेब खाओ। आखिर तुम समझती क्यों नहीं कि शादी के बगैर ना मुझे दौलत मिल सकती है और ना तुम्हें आजादी। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, जिंदगी भर का सवाल है। जिसे मैं जानती नहीं, पहचानती नहीं, मैं उसे शादी हरगिज़ नहीं करूंगी। तुम्हें ये शादी करनी होगी। लेकिन ये शादी सिर्फ दिखावे की होगी, मैं तुम्हारी इज्जत पर हमला नहीं होने दूंगा, मुझ पर भरोसा रखो। यह आजादी ऐसे ऐसे अनोखे नाजो अंदाज से मार डालूंगी। क्या हुआ? वाह वाह वाह, तड़पा कर पूछ रही हो, क्यों तड़प रहे हो? इन्हीं अदाओं पर तो मिट गए। वसीयतनामा खुद सॉलिसिटर को देकर कहा कि सालगिरह के मौके पर पढ़ दिया जाए ताकि शादी साथ ही अनाउंस हो जाए, और खुद ही बेहोश हो गई। अच्छा सरप्राइज दिया, क्या अदा दिखाए। क्या सरप्राइज तुम्हें अच्छा नहीं लगा? इसीलिए तो मेरी जान, देखो तुम्हारे लिए क्या लाया। एक मिनट। ये देखो, देख क्या रही हूं, इसे भी गले से लगा लो और खुद भी गले लग जाओ। सरकार, शादी का मुहूर्त निकलवाने के लिए मैंने पंडित जी को बुला लिया है। चलो। अर्थात कि मुहूर्त में समय अड़ा हुआ है और समय में शनिचर अड़ा हुआ है। आप इतवार को देखिए, आप शनिवार के पीछे क्यों पड़े हुए? पंडित जी, ये धन का घर कौन सा है? अजी ये रा खाली है, तो आप इसे काट दीजिए। आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? जब कोई अच्छा मुहूर्त नहीं निकलता तो कुछ दिन और ठहर जाइए। इस बार में मुझे लाभ गिरता महाराज, दिन तो अच्छा नहीं है मगर रात अच्छी है, दिन का उपाय करना पड़ेगा। अब ऐसा कीजिए कि पंडित जी के लिए पूजा पाठ के लिए स्थान चाहिए।